country. The Herb, he has to face justice for what he's done. I am not a double agent. Hey guys, this is Ed. So finally मैंने देख के कम्प्लीट की है Netflix पर रिलीज हुई प्रिजन वेब सीरीज को, जिसमें हमें टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं और सारे ही एपिसोड की लेंथ 45 से मिनट के आसपास की ही है और ये एक मिनी सीरीज होने की वजह से फर्स्ट 5 एपिसोड में ही आपको ये सीजन कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस सीरीज को रिलीज किया गया है। अब कहानी की बात करें तो कहानी में हमें देखने को मिलते हैं हमारे डेड डेविल यानी चार्ली कॉक्स, हमें एडम का रोल निभाते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि MI6 के डेप्यूटी हेड होते हैं। अब वो एक सक्सेसफुल डेप्यूटी हेड होते हैं, उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगी कि उनका रोब और रुतबा किस हिसाब से है, उनके जो स्क्रीन प्रेजेंस है सच में ही वो लाजवाब है। अब उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है तब जब जिफ को मारने की कोशिश की जाती है। अब उसमें उनका नाम सामने आता है यानी एडम का नाम सामने आता है। CIA को लगता है कि ये जो सारा काम जाम है वो एडम ने किया हो सकता है। अब वो जो सारा काम जाम है उससे रिगार्डिंग क्या एडम वहाँ से निकल भी पाएगा या फिर नहीं, और एडम एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता है। आगे कहानी में और एक नया मोड को ऐड किया गया है, रशियन स्पाई कारा करके, जो कि हमें इस सीजन में देखने को मिलती है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट एडम से होता है। अब एडम और कारा का डायरेक्ट पास रह चुका है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो ये एडम क्या सच में ही डबल एजेंट है या फिर नहीं, और CIA को क्या ये भ्रम पूर्ण करने में कामयाब होगा या फिर नहीं, यही कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पर यह रिलीज हुई सीरीज। सो ऑनेस्टली सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू टाइप की कुछ नहीं देखने को मिलता है। एज अ डिसेंट अगर आप देखना चाहें तो यह सीरीज आप देख सकते हो। मैं ये डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीरीज सच में ही एक अच्छी ट्रीटेबल तो है ही, आपको अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो देखने में ये सीरीज कामयाब होती है। फिर चाहे वो कई सारे ऐसे सीन है, लाइक मुझे पसंद आया जिसमें उसकी डॉटर को जो किडनैप करने लेने वाला सीन है वो काफ़ी बढ़िया था, मुझे ऐसा लगा। और आपको पता ही है उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी बढ़िया है, तो सब ने अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है, मुझे सबका काम बहुत ही बढ़िया लगा। और हाँ, सीरीज में कई सारे ऐसे मूवमेंट है गाइस जो कि आपको घूस बम देने में कामयाब हो जाते हैं। सीरीज मिनी सीरीज होने की वजह से आपको अच्छा खासा ये सीरीज इन्वॉल्व करके सच में ही फर्स्ट सीजन में ही कंप्लीट हो जाएगी। आप ये सीरीज को एक बार वॉच कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।